हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम शहर जा रहे थे, गांव से शहर जहां हम रहते थे। ये मेन हाईवे नहीं है, फिर भी ये छोटे छोटे शहरों से जोड़ने वाला हाईवे है। आप देखिए, अमेरिका का हाईवे। तो आपको मैंने सोचा थोड़ा दिखाऊं कि यहां पे जो अभी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट का हाईवे जाता, वो ये नहीं है, ये है लोकल। जैसे आप अगर आपके कोई शहर ज़िला है, आप अपने गांव की बाज़ार से ज़िले की तरफ जा रहे हैं, उस तरीके से ऐसे हम ऑस्टिन जो हमारा ज़िला है, शहर है, उस तरफ जा रहे हैं, बेलवेट से, अपने गांव से जहां हमारा घर है। तो आप देख रहे हैं ये किस तरीके से, किसी को भी कोई क्रॉसिंग नहीं करना पड़ता, हर दिशा में आपको सड़क मिलेगी। जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, उस दिशा में आपको सड़कें मिलेंगी दोस्तों। तो ये कैसी सड़कें हैं यहाँ पे, कैसे लोग चलते हैं। अभी एक तरफ चार लाइनें हैं, 8 लेन की सड़क है, फिर भी बीच में भी 2-3 लेन और बन सकता है, इतनी जगह छोड़ते हैं। तो इतना इतना क्या कहें हम, काश हमारे देश में भी ऐसा हो जाता। होने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पसंद है। तो पर आप देखिए, बस देखते जाइए, और आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सब पता चलेगा कि कैसे कितना स्पीड है गाड़ी का, कैसे गाड़ियां चल रही हैं, एक लाइन में दूसरी लाइन में नहीं जाता है। और जो लेफ्ट साइड की लाइन छूटी हुई है, आप येलो कलर देख रहे हैं, वो एम्बुलेंस की लाइन है। और राइट में जो देख रहे हैं, एकदम राइट में, वो ट्रक की लाइन है। तो वो हमेशा ट्रक और पुलिस की लाइन है, तो हमेशा वो छूटी रहती है, एक लेफ्ट एक राइट, हमेशा लेन छूटी रहती है। कोई भी आदमी लेफ्ट वाली लेन नहीं लेगा, उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि वो एम्बुलेंस के लिए छोड़ के रखते हैं। देख रहे हैं येलो कलर का, उसमें एम्बुलेंस, पुलिस, और राइट वाले में भी बड़ी ट्रक होती है। अभी को जैसे देख रहे हैं, ये बड़ी ट्रक जा रही है, तो वहाँ राइट में था वो। तो उस हिसाब से दोस्तों देखिए, अब हम आपको बड़े शहर की भी सड़क दिखाएंगे, ये कितनी महान सड़कें हैं, कितने अच्छा यहाँ का मैनेजमेंट है, कितने अच्छी देखभाल होती है, और कोई बेईमानी नहीं। एक सड़क बनाने के लिए क्या क्या दलाली है, क्या हाँ मटेरियल, कुछ लोग तो अनाज खाते हैं, सड़क बनाने वाले ईंटा पत्थर ही खा जाते हैं। आप देख रहे हैं किसको किस दिशा में जाना है, उस दिशा की सड़क लेगा वो, किस रोड कोई क्रॉस नहीं करेगा, कोई एक्सीडेंट नहीं, ना कोई पब्लिक रोड पे आपको दिखाई दे रही है कि रोड क्रॉस करते हुए, उनके लिए अलग रास्ते बने हुए हैं, सबके लिए अलग रास्ते हैं, पब्लिक के लिए अलग रास्ते हैं, और गाड़ियों के लिए अलग रास्ते हैं, एम्बुलेंस के लिए अलग रास्ता है, ट्रक के लिए अलग रास्ता है। तो हमेशा आपको लेफ्ट साइड की एक रोड खाली मिलेगी, कोई उसके ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरीके से कोई क्रॉसिंग नहीं होता कि सिग्नल लगा हुआ है, आपको गाड़ी रोकनी है। जैसे आजकल हमारे यहाँ पूर्वांचल बनी है, या और बहुत सड़कें बन रही हैं जो बिना सिग्नल की हैं, तो उसी तरीके से ये यहाँ हमेशा बाज़ारों, छोटे छोटे मार्केटों में रहता है। देख रहे हैं आप किस कौन को किसको किस दिशा में जाना है, दिख रहा है आपको किसको किस दिशा में जाना है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप हमारा वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम आपको ऐसे ही वीडियो भेजते रहेंगे जब तक मैं हूँ, 1-1.5 महीना अमेरिका में अपने बच्चों के पास, तब तक मैं आपको कुछ ना कुछ वीडियो भेजता रहूँगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बारिश आ गई थी, तो इस तरीके से दोस्तों,
और यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा रहता है, अगर किसी को रोड छोड़नी है तो उसको कहाँ से छोड़नी है। ये सी चीज़ें हमारे बड़े बड़े शहरों में बन रही है अपने इंडिया में, लेकिन ये तो ये लोकल सड़कें हैं, जो गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं वो है। और कभी हम शिकागो गए या न्यूयॉर्क गए तो जो वो सड़कें होती हैं वो भी हम दिखाएंगे आपको, मौका मिला अगर बच्चे ले गए तो हम ज़रूर दिखाएंगे आपको वो सड़कें। तो देखा आपने, और दूर दूर तक इतनी जगह रखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, रश बढ़ा शहर में, गाड़ियाँ ज़्यादा हुई तो वो और एक सड़क निकाल लेते हैं, काम करने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी जैसे ये जगह है, अपने यहाँ तो सिग्नल बना देते हैं और रोक देते, जाओ तुम क्रॉस कर रहे हो, फिर तुम क्रॉस कर रहे हो, कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, किसी भी क्रॉसिंग पे वहाँ पे तुरंत ब्रिज बना देते हैं। तो सिग्नल नाम की कोई चीज़ अभी तक आपने देखा नहीं होगा कहीं पे सिग्नल हुआ हो कि बत्ती जल गई और गाड़ी खड़ी हो गई। लोकल जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ हमारा घर है, इंटरनल जो हमारे यहाँ जो चक्रोट होता है उसकी जगह जो सड़कें बनी हैं उस पर भी सिग्नल है, क्योंकि आप इस घर से दूसरी तरफ जा रहे हो, छोटे छोटे रास्तों में घर होते हैं तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट ना हो तो सिग्नल दिया हुआ है, स्टॉप लिखा रहता है कि आप पहले स्टॉप रुक जाइए, फिर देख लीजिए, फिर चलिए। तो वहाँ से पालन होता है, यहाँ तो क्या है कि बन गया तो तोड़ने के लिए होता है कानून, अपने यहाँ तो बस कानून बना है तो उसे तोड़ना है, किसी भी तरह से रास्ता निकालें कि उसको तोड़ दें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।